अगर हम कॉपी करने की बात करें तो नंबर वन पर नाम आता है चाइना का, क्योंकि चाइना से ज्यादा कॉपी और कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस समय बॉलीवुड ने कॉपी करने के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि आदि पुरुष मूवी ने हमें जो आंखों से खून निकाल देने वाला VFX दिखाया है उससे आज हर कोई गुस्सा है। लेकिन ये लोग यहीं पर नहीं रुके, इन लोगों ने अपनी कॉपी करना भी हमें दिखाया है कि किस तरीके से ये एक तरीके के सीन को दोबारा से कॉपी कर सकते हैं। इन लोगों ने जो कॉपी करने का लेवल दिखाया है वो सबसे ज्यादा हाई है। इन लोगों ने जो कॉपीज की है वो कोई छोटी मोटी मूवीज की नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने वाली और हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज की कॉपियां की हैं। ये सीन जो इन्होंने कॉपी किया है ये प्लेनेट ऑफ द एप्स से कॉपी किया है। और ये सीन इन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन से कॉपी किया है। और अगर बात करें हम सबसे ज्यादा बढ़िया कॉपी की तो वो इन्होंने की है थोर रैग्नारोक से। इन्होंने थोर रैग्नारोक से हेला वाले सीन को कॉपी किया भाई साहब, मतलब उस मूवी को भी ये कॉपी कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी है। तो अब आप मुझे बताइए क्या आपको आदि पुरुष का टीजर पसंद आया था या फिर नहीं। तो भैया ब्लैक एडम देखने के बाद एक बात तो पक्की हो चुकी है कि डीसी को ब्लैक एडम के रूप में अपना थोर मिल चुका है और अब डीसी भी तैयार है हमें एवेंजर जैसी धमाकेदार मूवीज दिखाने के लिए। तो यार ब्लैक एडम देखकर एक बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ब्लैक एडम को जब भी गुस्सा आता है तो वो अपनी पावर्स को एक्सप्लोर कर देता है, जिसके बाद वो ये नहीं देखता कि उसके आसपास में कौन है, वो सब कुछ जलाकर राख कर देता है। पूरी मूवी में ब्लैक एडम दो बार अपनी पावर एक्सप्लोर करता है। पहला जब उसे सजैम की पावर मिलती है तब वो खानदाक की राज्यसभा में आकर अपनी पावर एक्सप्लोर करता है जिससे कि पूरी राज्यसभा तबाह हो जाती है। और दूसरी बार जब वो विलन अपने सिर पर सबैक का ताज पहनता है उस समय अपनी ब्लैक एडम पावर एक्सप्लोर करता है जिससे वहां पर भी सब कुछ जलकर राख हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ब्लैक एडम अपना आपा खो दे तो वो पूरी दुनिया का विनाश कर सकता है। खैर जब तक डीसी के पास सुपरमैन है तब तक ऐसा होना तो मुश्किल है। पर आप तो भैया फाइनली ब्लैक एडम मूवी देखने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि इस सुपर हीरो को जो अच्छा लगता है ये वही करता है, इसके हिसाब चाहे पूरी दुनिया तबाह हो जाओ, इस बात से इसे झांट फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।